सो हेलो गाइस, दिस इज सोन कुमार 2.0 एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप अपने यूट्यूब चैनल को सर्च में सबसे ऊपर कैसे ला सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं अपना चैनल को यहाँ पे सर्च करूंगा तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो चैनल है वो सबसे फर्स्ट में शो कर रहा है। अगर मैं एक तो स्पेलिंग को भी मिस्टेक कर देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक तो स्पेलिंग को भी अगर मिस्टेक कर दिया है और मैं अपना चैनल को सर्च करूंगा तो भी मेरा चैनल फर्स्ट में शो करेगा। तो इस तरह से आपका भी चैनल फर्स्ट में कैसे शो करेगा, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को दो तरीके बताने वाला हूँ। जी हाँ फ्रेंड, अगर आप इन दोनों तरीकों को अच्छे से समझ गए और आप भी अपने चैनल पे इस तरीके को यूज किए तो आपका भी चैनल रैंक में सबसे ऊपर शो करेगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वो दो तरीके क्या क्या हैं। तो जो सबसे पहला तरीका है वो यह है कि जब भी आप अपने YouTube चैनल का नाम रखिएगा तो आप अपना YouTube चैनल का एक यूनिक नाम रखिएगा। जी हाँ फ्रेंड, यूनिक यानी कि सबसे हटके, यानी कि ऐसा नाम जो कि YouTube चैनल पे पहले से कभी ना हो। जैसे कि मेरा जो चैनल का नाम है वो सोनू कुमार 2.0 है। तो इस मैंने बहुत सर्च किया, बहुत तरह के नाम सर्च किए तो मुझे YouTube में मिल ही जाते थे, लेकिन जब मैंने सोनू कुमार 2.0 सर्च किया तब मुझे सोनू कुमार 2.0 के नाम से बहुत ही कम चैनल मिले। उसमें भी चैनल मिले लेकिन बहुत कम मिले, और मैंने देखा कि इसमें बहुत कम चैनल है जिसमें मेरा जो चैनल है वो सबसे ऊपर आ सकता है। उसके बाद मैंने सोनू कुमार 2.0 नाम रख लिया। तो इसी तरह से आपको भी एक यूनिक नेम सोचना है और अपने चैनल का एक यूनिक नाम रखना है, तभी आपका चैनल जो मतलब आपका जो चैनल है वो सर्च में सबसे ऊपर शो करेगा। उसके बाद जब आप एक यूनिक नेम डिसाइड कर लीजिएगा, उसके बाद आप अपने चैनल का नाम को भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है कि चैनल के नेम को कैसे चेंज किया जाता है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि चैनल के नेम को कैसे चेंज किया जाता है। और जो दूसरा तरीका है वो मोबाइल में है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन की ओर और वहाँ से हम दूसरे तरीके को देखेंगे और वहाँ से भी हम जानेंगे कि अपने चैनल को सर्च में सबसे ऊपर कैसे लाएंगे। तो सिंपली से आपको अपने मोबाइल स्क्रीन में क्या करना है, आपको अपने मोबाइल स्क्रीन में क्रोम ऐप को ओपन कर लेना है। जी हाँ फ्रेंड, क्रोम एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है youtube.com। जी हाँ फ्रेंड, आपको YouTube ही खोलना है, बट आपको YouTube क्रोम में खोलना है ताकि आपको यहाँ से कुछ एडवांस सेटिंग मिल जाते हैं जो कि YouTube में आपको डायरेक्ट YouTube में नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे क्रोम में आपको youtube.com सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, यानी कि YouTube ही खुल जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे सबसे ऊपर में 3 डॉट का एक ऑप्शन मिलेगा देखने को, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेस्कटॉप साइट का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन है, आपको सिंपली से इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो YouTube है वो डेस्कटॉप साइट पे खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको ब्लॉक करना है तो ब्लॉक कर सकते हैं, एलो करना है तो एलो भी कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको कोने में, सबसे ऊपर कोने में आपको आपके चैनल का लोगो मिल जाएगा, आपको सिंपली से उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको योर चैनल का एक ऑप्शन मिलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको योर चैनल का एक ऑप्शन मिल जा रहा है, आपको सिंपली से इस योर चैनल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कस्टमाइज चैनल का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कस्टमाइज चैनल का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से आपको क्रोम एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू टू स्टूडियो कर देना है। कंटिन्यू टू स्टूडियो करने के बाद आपको थोड़ा देर वेट करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ सबसे नीचे कोने में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इस जगह पे ये जो डॉट डॉट में कर रहा हूँ वहाँ पे सबसे कोने में आप देख सकते हैं एक सेटिंग्स का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपली से आपको उस पर क्लिक कर देना है। उस सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का सेटिंग खुलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सेकेंड नंबर में चैनल का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली से चैनल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जा रहा है कीवर्ड्स का। यहाँ पे मैं आप देख सकते हैं कि मैंने कीवर्ड्स डाला हुआ है सोनू कुमार 2.0, सोनू कुमार 2.0, सोनू कुमार, सोनू कुमार, यानी कि यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका जो चैनल का नाम है उससे रिलेटेड या फिर आपका जो यूट्यूब चैनल जिस रिलेटेड है उससे रिलेटेड टैग्स यहाँ पे आपको डालने हैं। यानी कि आप यूट्यूब में वीडियो जब अपलोड करते हैं तो वहाँ पे टैग कैसा डालते हैं, यानी कि मान के चलिए कि आपका जो यूट्यूब का वीडियो है वो है हाउ टू अर्न मनी, तो आप वहाँ पे टैग लगाते होंगे हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, हाउ टू अर्न मनी। तो इसी तरह से यहाँ भी आपको अपने चैनल का कीवर्ड्स डालना है, यानी कि टैग डालना है।
उसके बाद यहाँ टैग डालने के बाद यहाँ पे सिंपली से आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका जो ये सेटिंग है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद आप कुछ देर वेट कीजिएगा, एक दो घंटे के बाद अगर आप अपने चैनल को सर्च कीजिएगा तो आपका जो चैनल है, या एक दो घंटे भी लग सकता है या फिर एक दो दिन भी लग सकते हैं। उसके बाद अगर आप अपने चैनल को यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा तो आपका चैनल नंबर 1 पर शो करेगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर ले ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।